फेसबुक का जिक्र किया, फेसबुक के साथ मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। एक चीज हम जो देखते हैं कि आजकल जो ये मामला चल रहा है फिफ्थ जनरेशन हाइब्रिड कॉम्बिनेशन वॉरफेयर, पूरी पूरी इलेक्शंस मैनिपुलेट कर दिए जाते हैं, पूरी पूरी थॉट प्रोसेस मैनिपुलेट कर दी जाती है एआई की वजह से। मैं और आप अगर किसी चीज की बात कर रहे हैं, दो मिनट बाद मेरे मोबाइल पे उसका ऐड आ जाता है। एक अलग ही टेक्नोलॉजी के अंदर हम घिर गए। हाउ डू यू लुक एट इट? और ये पूरा एक वॉरफेयर चल रहा है फिफ्थ जनरेशन का, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये वही चीज है जो एडल्फ हिटलर ने कही थी कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे। क्या बात, कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ मिलता चला गया। और अब जंगे जो हैं वो सरहदों पे नहीं होती, यानी अब जो जंगे होती हैं वो दिमाग में होती हैं। तभी वो कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे होते हैं, जिंदगी में कोई काम किया नहीं और ऐसे जिहादी बने होते हैं कमेंट्स के अंदर। तो ये पूरी पूरी टीम्स बैठी हुई है, इसमें सब मुल्क लग गए, यानी हर मुल्क की जो डिफेंस स्ट्रेटजी है उसमें ये चीज 35-45% शामिल हो चुकी है। बड़ी हैरत होगी आपको कि जो मतलब ब्रिटिश मिलिट्री है उसके अंदर बकायदा इसके ब्रिगेड्स बना दिए गए। ओके। और वहां पे उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो असल चलाने की नहीं दी जा रही, उनको ट्रेंडिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको कैंपेन्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, नैरेटिव क्रिएट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या बात है। अब ये थी फिफ्थ जनरेशन वॉर। ये जो हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है वो ये है कि इसके अंदर आपको कुछ फिजिकल इवेंट्स की जरूरत पड़ती है। जब तक कोई फिजिकल इवेंट नहीं होगा उस वक्त तक आप वो नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकेंगे। अब आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ एक छोटे से इवेंट के ऊपर है। वो छोटा सा इवेंट ये कि जी ट्रैफिक जाम था, एम्बुलेंस उसमें फंस गई, बंदा उसके अंदर मर गया, दैट्स इट। राइट, ये इन्वेस्टमेंट है। बाकी जो सारा गेम है वो सारा टेक्नोलॉजी का गेम है, नैरेटिव को बिल्ड करने का गेम है। इतनी सी चीज के ऊपर हुकूमतें गिर जाती हैं, इतनी सी चीज के ऊपर। आपको यकीन आएगा सिर्फ एक तस्वीर थी चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में, जस्ट वॉज ऑफ वन पिक्चर के कीचड़ में से जनाजा लेके जा रहे थे, सोशल मीडिया पे वायरल हुई, चीफ जस्टिस ने उस पर सो मोटो लिया और वहां के एमएनए एमपीएस को अदालत में खड़े होकर जवाबदेही करनी पड़ गई और उस पर बकायदा प्रॉपर कार्रवाई हुई मुतालिका महकमों के खिलाफ। बिल आखिर डिसमिस हुए कुछ लोग, ट्रांसफर हुए कुछ लोग। तो ये इतनी सी एक तस्वीर जो है ना वो कुछ भी कर सकती है। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हम देखते हैं सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग मीडियम है, चाहे वो अब कस्टमर्स अपने फीडबैक दे रहे हों, चाहे वो रिव्यूज दे रहे हों या कोई किसी तरह की चीज़ हो, तो जहाँ इसके पॉजिटिव आते हैं कि कोई चीज़ अब छुपी नहीं रहती, वहीं पर कुछ नेगेटिव आते हैं कि लोग अनड्यू एडवांटेज भी इस फैक्ट का लेते हैं। जैसे आपने कहा कि मिल के सब लोग अगर झूठ बोलें बहुत सारे लोग तो वो सच लगने लगता है। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है बिकॉज हम आहिस्ता आहिस्ता वी लिविंग इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड। तो आर्टिफिशियल क्या है, रियल क्या है, इसके बीच का जो कन्फ्यूजन है उसको कैसे क्लियर करें? हाँ, इस पर बाकायदा तौर पर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सवालात हुए और कोर्स जो था वो ऑलमोस्ट यही इससे रेलिवेंट ही था। और उसमें जो जो उसमें कुछ सिविलियंस थे, कुछ मीडिया पर्सन थे, उन्होंने बात की कि किस तरीके से हम भाई ये जज कर सकें कि ये इवेंट, ये चीज़ रियल है, फैक्ट्स पे मबनी है, नहीं है। क्योंकि एक चीज़ आती है तो उसमें बस इतना ही पार्ट दिखाया जाता है कि भाई ये विक्टिमाइज है हो रहा है, ये जालिम बंदा है और वो वायरल पर्सपेक्टिव होता है। हाँ, तो हम सेकंड एंगल कैसे देखें? अच्छा, वो सेकंड एंगल जितने टाइम में आप देखोगे वो तो चंद घंटों में ऐसी वायरल होती है और वो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका होता है लोगों का। वो लोग फिर बातें गॉसिप्स करना, कमेंट्स करना, शेयर करना शुरू कर देते हैं उसको। देखिए, अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाता है कि अगर कोई भी खबर है ना, कोई भी खबर हो, कोई भी दे रहा है तो पहले आप उसकी तस्दीक कर रहे हैं। बिल्कुल, कुरान की यह आयत है। तो बगैर तस्दीक अगर लोग शेयर कर रहे हैं तो इट मींस कि उनकी काउंसिलिंग नहीं हुई। तो घूम के अगर इस मसले से हमने निकलना है ना, आज घूम के हमें अपने असास पे आना पड़ेगा। वेरी ट्रू। जो हमें एक रिलीजन देता है और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि हमारी मसाजिद काउंसलिंग सेंटर्स नहीं है। हमारी मसाजिद सिर्फ इसलिए भाई नमाज पढ़नी, आप चले गए, नमाज पढ़ी आ गए। वो तो जो इस्लाम ने कॉन्सेप्ट दिया मस्जिद का वो सिर्फ नमाज के लिए नहीं दिया, वो ये दिया कि आपकी जैसे यूनियन काउंसिल होती है ना, आपका एक आप एक मोहल्ले में रहते हैं, वहां का कोई एक बड़ा होता है, फिर आपका कोई मसला है उस लोकेलिटी का, आप जाके उससे डिस्कस करते हैं, यार मेरे घर पानी नहीं आ रहा, जाते हैं ना आप यूनियन में। इसमें आपने बात ही, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आजकल लोगों में बड़ा एक टर्किश फीवर है, टर्किश सीरीज देख रहे हैं, अंडर द ऑटोमन एम्पायर
उस वक्त जो मदारिस थे वहां पे स्किल बेस्ड लर्निंग होती है, स्किल बेस्ड लर्निंग के जिस बच्चे को जो इंटरेस्ट है वो फील्ड में पढ़े, उसको थोपा नहीं जाता था कि आपने यही फील्ड पढ़नी है। तो इमेजिन के आज से कोई 700 साल पहले ये काम होता था तो कितना आगे थे, और आज 7 ये मुसलमानों की तरक्की की बुनियादें थी, ये असास थी। आज भी अगर हम उस असास पे आ जाएं, यानी आज आप सिर्फ एक बता दें लोगों को, भाई कुरान ये कहता है कि आप तस्दीक कर लो, तो अब अगर मेरे फेसबुक पे, मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई भी ऐसी चीज आई, वीडियो आ गई, वो लड़की रो रही है इस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, तो भाई मैं पहले जब तक तस्दीक नहीं कर लूं, मैं अपने कॉन्टेक्ट में भी उसको शेयर नहीं करूं, क्योंकि आगे आगे आयतों में और हदीस में ये फरमाया गया है बकायदा कि अगर तुमने बगैर तस्दीक के वो चीज शेयर कर दी और वो गलत निकली, बिल्कुल, तो उसकी वजह से जो अजाब गुना है वो तुम्हारे खाते में लिखा जाएगा। बिल्कुल, आई रियली यू नो, और एक छोटी सी चीज बस ऐड कर दूं इसमें कि उसकी जो सजा है, उसकी सजा ये कि जब शब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए आसमान पे, तो आपको दोजख और जन्नत की सैर कराई गई, तो कुछ ऐसे जहन्नुमी लोग थे जिनके नाखून लोहे के हो गए थे, लोहे के, और वो उससे अपना मुंह मतलब खुरच रहे थे, तो खाल और पूरा फेस कट रहा था उनका, और पूरा चेहरा टपक रहा था, यानी लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अमी अलैहि सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने, आप अलैहि सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो बगैर तस्दीक के खबरों को आगे पहुंचाते थे या र्यूमर करते।